Hello students, welcome to my channel Study Well E-Learning. The topic we are going to discuss today is Kelvin cycle, which is also known as C3 cycle. It occurs during dark reaction. Dark reaction में होता क्या है? Kelvin cycle ही होता है. And dark reaction को हम dark reaction इसलिए नहीं बोलते कि ये dark में होता है, but because it is light independent phase. और ये light independent phase है, इसलिए इसे हम इसका तीसरा नाम हो सकता है light independent phase. ओके और इसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं बिकॉज ड्यूरिंग दिस समथिंग इज बीइंग सिंथेसाइज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सारी दुनिया के लिए जो फूड है दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, सो बायोसिंथेटिक फेज. ओके सिंथेसिस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोसिंथेटिक फेज कहां पर हो रहा है डार्क रिएक्शन? इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके एंड इट डजंट डिपेंड ऑन लाइट डायरेक्टली, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वॉट इज बींग प्रोड्यूस्ड? एसिमिलेटरी पावर्स. बनता है एटीपी और एनएडीपीएच. ओके तो ये दोनों चीजें बनती हैं जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर्स. These two products of light reactions are used during dark reaction. अब इसको केल्विन साइकिल बोल रहे हैं. ठीक है, कुछ प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल होगा, कुछ में C3 के साथ C4 भी होता है. That we will be discussing later on. तो यहाँ पर जो केल्विन साइकिल है इसको केल्विन साइकिल क्यों बोला? Because it was discovered by Melvin Kelvin and his colleagues were also there. Colleagues में एक नाम है बेंसन, तो इसका नाम केल्विन एंड बेंसन साइकिल भी है. एंड दे यूज्ड C14, रेडियोएक्टिव 14 यूज किया, सी कार्बन यूज किया इन्होंने. और फिर क्या किया इन्होंने, एल्गी है क्लोरेला, उसको फीड कर दिया विद C14. ओके फीड करने के बाद क्या किया, फ्यू सेकेंड्स के बाद चेक किया उसको, क्या किया विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसको किल कर दिया बाय बॉइलिंग इट इन मिथेनॉल. मिथेनॉल में बॉइल करके किल कर दिया एल्गे को. किल करने के बाद उन्होंने उसका एक्सट्रैक्ट लेकर उसको टेस्ट करके देखा, तो उनको जो C14 कार्बन था वो मिला जिस प्रोडक्ट में. ठीक है, उन्होंने वो बना लिया कि ये है इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है, जहां पर भी इन्हें C14 मिला. ऐसे करके दूसरी बार उन्होंने कुछ ज्यादा सेकेंड्स लिए, किल कर दिया, सेकेंड प्रोडक्ट आ गया. करते 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 they got a cycle and this cycle was known as Kelvin cycle. Now this cycle is also known as C3 cycle. क्यों बोलते हैं C3 cycle? क्योंकि इस cycle का जो पहला stable product है, the first stable product of this cycle is a 3 carbon compound. ठीक है, वो है C3 compound. इसलिए इसको बोला गया C3 साइकिल. ओके एंड व्हाट इज दैट स्टेबल प्रोडक्ट? दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट. उससे पहले जो भी बना वो अनस्टेबल था. फिर साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि एक कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, दूसरा दे रहा है, दूसरा जो कार्बन है वो यहां से आ रहे हैं. ये क्या चीज होगी? ये होगा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. प्राइमरी एक्सेप्टर जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है वो. तो क्या लगता है, एक कार्बन CO2 ने दिया, दूसरा बाकी दो कार्बन कहां से आए? इट मींस प्राइमरी एक्सेप्टर से. इट मींस ये एक 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए था. तो साइंटिस्ट लगे रहे कि एक 2 कार्बन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था उन्हें. दे वर अनेबल टू फाइंड अ 2 कार्बन कंपाउंड इन द होल साइकिल. नहीं मिल रहा था, बार बार कर किया चेक. तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड ये जिसको वो C2 ढूंढ रहे थे, इट वाज एक्चुअली अ C5 कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड. और इसको हम बोलते हैं RuBP. ठीक है, दिस इज रिबुलोस 1,5-bisphosphate. ओके ये है एक 5 कार्बन शुगर जिसके फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पर
फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो दिस आर यू बी पी बिकेम द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमें दो नाम याद रखने के लिए मिल गए। फर्स्ट नेम इज फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा नाम हमें मिल गया द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस साइकिल के स्टेप्स। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ दिस साइकिल जिसको मैं पहले तुम्हें सिंपल बता देती हूँ और फिर मैं उसको तुम्हें पूरा इलेबोरेट करके बताऊंगी क्या क्या स्टेप्स हैं। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इन दिस साइकिल इज कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आर यू बी पी। सो व्हाट हैपेंस हियर, जो हमारा आर यू बी पी है जो कि एक सी फाइव कार्बन कंपाउंड है, इट इज सी फाइव, ये कंबाइन करता है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, CO2 बाहर से आई, स्टोमेटा से अंदर आई फोटोसिंथेसिस के टाइम, तो ये कंबाइन करता है विद CO2 एंड इट फॉर्म्स अ C6 कंपाउंड, बट दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, तो हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये C6 क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है, डबल हो जाएगा, ये जितने मॉलिक्यूल है डबल, सो इट स्प्लिट्स इन 2 C3 मॉलिक्यूल्स, तो C3 के 2 बन गए। ठीक है, और ये जो C3 है ये क्या है, दिस इज 3 PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन केल्विन साइकिल, क्या बोलते हैं इस फर्स्ट स्टेप को, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ये पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस का उल्टा स्टेप हो रहा है, रिवर्स जा रहा है ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज से क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां क्या होगा, ये स्टेप उल्टा जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल और इसका रिडक्शन हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा इस स्टेप में, हियर 3-PGA विल बी रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिडक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ठीक है, नंबर 3 स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा, RUBP का रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ RUBP, RUBP का हमेशा होना बहुत जरूरी है। अगर सारा RUBP ये कंबाइन हो जाएगा, सारा RUBP ग्लूकोज बना देगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, तो इस फोटोसिंथेसिस के, इस केल्विन साइकिल को चलता रखने के लिए, साइकिल है कंटिन्यू रहना चाहिए, उसके लिए RUBP बनता रहना चाहिए, सो इसका रीजनरेशन होता रहना चाहिए, यहाँ जो कंबाइन कर गया उसमें से वापिस RUBP निकलेगा, लेकिन सारा नहीं, कुछ RUBP बनता रहेगा। ठीक है, तो दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP विच इज द 3rd स्टेप। सो अब हम इसको साइकिल की फॉर्म में बना के देखते हैं। सो लेट्स कंप्लीट दिस साइकिल ओनली। यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल साइकिल बताऊंगी पहले, फिर पूरा डिटेल्ड बताऊंगी। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कार्बोक्सिलेशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, हमें बताया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलेगा वो है रूबिस्को, रूबिस्को CO, कैपिटल CO आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, जो कि हमारा RUBP है। ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये है जो हमारा रूबिस्को, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि दोनों काम करता है, कार्बोक्सिलेशन भी ऑक्सीजनेशन भी।
अगर सीओ टू की कंसेंट्रेशन हाई है, इट विल स्टार्ट डूइंग कार्बोक्सिलेशन, इट विल दिस आरयूबीपी विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई हो जाए तो ये ऑक्सीजनेशन शुरू कर देगा, ये आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देगा. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनाएगा लेकिन पूरा नहीं बनाएगा, आधा बनाएगा. ठीक है, वो प्रोसेस हो जाएगी. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई होने पर इट विल रन C3 साइकिल, एंड इफ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज हाई इट विल रन C2 साइकिल, क्योंकि ये एक C2 कंपाउंड भी बना रहा है C3 के साथ साथ, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन. ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है. प्लांट्स ऑक्सीजनेशन से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते. प्लांट्स वॉन्ट टू रन C3 साइकिल टू मेक फूड. ठीक है, तो क्या होगा, रूबिस्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, आरयूबीपी को कंबाइन करने में हेल्प करेगा, कार्बोक्सिलेशन करवाएगा आरयूबीपी की. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम हियर. C6 बनेगा, अनस्टेबल है, इट विल बी स्प्लिट इनटू टू C3 कंपाउंड्स, विच इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए. देन वॉट विल हैपन, दिस 3PGA विल कंबाइन विद एन ATP. ATP जो हमारा लाइट रिएक्शन में बना था, वो कंबाइन होके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देगा. ATP इसमें चला गया, ATP जाने से इट विल बिकम 1,3-diphosphoglyceric एसिड. ठीक है, एंड देन वॉट विल हैपन, तो इसमें हम ये ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल वाला स्टेप यहां से शुरू हो गए हैं. 1,3-diphosphoglyceric एसिड, यहां से क्या होगा, NADPH जो कि हमें मिला है इन लाइट रिएक्शन, उसको यहां पर यूज कर लेगा. ठीक है, ये इसको रिड्यूस करके बना देगा 3-phosphoglyceraldehyde. ठीक है, दिस इज व्हाट, 3-phosphoglyceraldehyde. ओके, ये बना देगा. ठीक, तो ये बनने के बाद में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दिस 3PGAL इट इज आइसोमेरिक टू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. दिस इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, अब क्या होगा, तो हमने यहां पर यह देख लिया कि ATP यूज हो गया. ठीक है, हमने यहां पर यह भी देख लिया कि NADPH यूज हो गया. ठीक, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, ये आइसोमेरिक है तो इसको हम एक ही लिखेंगे आगे कोई, तो ये C3 कंपाउंड है. नाउ इट विल मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस, एंड देन व्हाट विल हैपन, द रेस्ट ऑफ 3PGAL विल हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ RUBP. और RUBP का जब रीजनरेशन हो रहा है, वहां पर भी ATP कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, टोटल कितना ATP यूज हो रहा है इन दिस साइकिल, 3 ATPs पर साइकिल. अगर हम मान रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल RUBP का है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हो रहा है, सो हियर वी रिक्वायर 3 ATPs. 3 कैसे हुए, लेट्स सी. जब हमने देखा यहां पर 6 कार्बन कंपाउंड एक बना अनस्टेबल, वो स्प्लिट हो गया, डबल हो गया. ठीक है, डबल C3 कंपाउंड्स में आ गया, तो यहाँ मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे. ठीक है, जितने भी हम मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, नॉर्मली क्या है, हम 6-6 लेके चलेंगे तो यहाँ 12 आ जाएंगे, सो इट विल बी 12 मॉलिक्यूल्स हियर. तो अभी के लिए मैंने एक एक बोला, तो यहाँ 2 हो गए, डबल हो गए. तो जब यहाँ ATP यूज होंगे तो इट विल बी 2 ATPs. तो यहाँ इस स्टेप पे 2 ATPs, और आगे जाएगा जब ये RUBP बनेगा. ठीक है, फिर से एक मॉलिक्यूल है ना, रीजनरेशन हो रहा है, तो यहां पर जो ATP यूज होगा, दिस विल बी 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जितना भी हम लेकर, अब क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि एक साइकिल रन करने में 3 ATPs आर बीइंग कंज्यूम्ड एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पर NADPH
1.5 ATPs are required for C3 cycles to run. इसीलिए नॉन साइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, बिकॉज इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन व्हाट हैपेंस, सिर्फ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एटीपी ज्यादा चाहिए, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होता है. तो 3 ATP 2 NADPH. अब हमें बताया जाएगा कि व्हेन द साइकिल रन्स 6 times देन 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड. तो 6 बार ये साइकिल चलने से 1 molecule ग्लूकोज का बनेगा. इट मींस क्या होगा, हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ मेनी एटीपीज आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 molecule ऑफ ग्लूकोज, 18 ATPs, ठीक है, और कितने NADPH के मॉलिक्यूल्स चाहिए, 12, ठीक है, हमें ये बताया गया. तो हमें ये, अब हम ये 6 से करके देखेंगे, तो 6 molecules ऑफ RUBP कंबाइन विद 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे मेक 6 molecules ऑफ एन अनस्टेबल C6 कंपाउंड, देन इट स्प्लिट्स इनटू हाउ मेनी, 12 molecules ऑफ 3-phosphoglycerin एसिड. आउट ऑफ दीज 12 molecules व्हाट हैपेंस, आउट ऑफ दीज 12 सिक्स दीज विल हैव हेल्प टू, आउट ऑफ दीज 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड. सो यहां पर ग्लूकोज का 1 हो गया, और कितने रीजनरेशन होगा, अगेन 6 molecules ऑफ RUBP विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, 6 molecule RUBP के और 1 glucose का बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 molecules ऑफ RUBP विद 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अब इसका जो डिटेल्ड वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. यहाँ पर आपने मेन 3 steps कर लिए हैं कार्बोक्सिलेशन, जो स्टेप हमारा शुरू हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के RUBP से कंबाइन होकर PGA बनाने तक, 3 PGA बनाने तक, ठीक है. सेकेंड स्टेप विच इज द रिडक्शन स्टेप, ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, वो हमारा 3 PGA से ग्लूकोज बनने तक है, ठीक है. थर्ड स्टेप हमारा यहाँ 3-phosphoglyceraldehyde से लेकर रीजनरेशन ऑफ RUBP वाला है, जिसको हम बोलते हैं RUBP का रीजनरेशन, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको इसके सारे स्टेप्स बता दूंगी, ठीक है. सो आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो ऑल्सो, सो डू वॉच दैट वन ऑल्सो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.